हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे चैनल हेलो इंडिया में स्वागत है, जहां आप भारत को भारत की नजर से देखते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, आप जिस ऐतिहासिक संरचना को देख रहे हैं उसका नाम है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक प्राचीन आवास संरचना है, जिसे हवेली कहा जाता है। यह हवेली राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है और जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। पटवों की हवेली 5 हवेलियों का समूह है, जिसका निर्माण एक अमीर व्यापारी पटवा द्वारा किया गया है। कहते हैं कि उन्होंने अपने 5 बेटों में से प्रत्येक के लिए एक हवेली का निर्माण करवाया था। इस हवेली के 5 सदन 19वीं शताब्दी में 60 वर्षों के अंदर पूरे किए गए थे। पहली हवेली, जिसे कोठारी की पटवा हवेली के नाम से जाना जाता है, इन 5 हवेलियों में से एक है। वर्ष 1805 में पहली हवेली का निर्माण गुमान चंद पटवा द्वारा किया गया था, जो एक प्रसिद्ध आभूषण और ब्रोकेस व्यापारी थे। इन हवेलियों के भीतर मेहराब और प्रवेश द्वार की अपनी अलग खासियत है, जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। हवेलियों के झरोखे, मेहराब, बालकनियों, प्रवेश द्वार और दीवारों पर भी जटिल नक्काशी और खूबसूरत पेंटिंग की गई है। पटवा के 5 भाइयों और उनके परिवारों के लिए एक अलग हवेली थी, जिनमें से सभी को अलग सुविधा मिलती थी। हवेली के परिसर में संग्रहालय है, जिसमें बीते युग की कलाकृतियों, चित्रों, कला और शिल्प का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है। यहाँ की सभी हवेलियों को 50 वर्षों के अंतराल में डिजाइन किया गया था, जिसमें से पहली हवेली सबसे भव्य है और इसे बनाने में सबसे ज्यादा समय लगा था। पटवों की हवेली की वास्तुकला की गहनता इस संरचना की उत्कृष्ट दीवार चित्रों और बालकनियों में है, जो एक मनोरम दृश्य द्वार मेहराब के लिए खुली हुई है। सबसे खास बात यह है कि इसकी दीवार पर दर्पण से काम किया गया है। अपने पिछले मालिकों के बाद इस हवेली को ब्रोकेड मर्चेंट की हवेली के रूप में भी जाना जाता है, जो सोने के धागे के व्यापारी हुआ करते थे। कहते हैं कि यहाँ अफीम के व्यापारी भी हुआ करते थे, जो तस्करी के जरिए पैसा कमाते थे। इस हवेली के एक खंड को मुरल वर्क से डिजाइन किया गया है। ये हवेली बीगो युग की समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करती है। यहाँ की पेंटिंग और कलाकृतियाँ इसके निवासियों के जीवन शैली को दर्शाती है। यहाँ 60 से अधिक बालकनियाँ हैं, जिन पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। तो अगर आप पटवों की हवेली घूमने जाना चाहते हैं, तो यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने जानने वाले और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।